गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सफ़र विद रुक्मिणी शर्मा व्लॉग्स। और सुबह हो गई है, 8:30 बज रहे हैं अभी। कल मतलब सब मोमोज वगैरह बना के हम सो गए थे और बहुत टाइम हो गया था एक्चुअली बनाते बनाते, मैंने आपको बताया ही था। तो फिलहाल बैठते हैं और करते थोड़ी सी बातें एंड उसके बाद चलते हैं करते अपना दिन शुरू। मौसम अपडेट ले लो, बहुत ही अच्छा मौसम है फिलहाल सुबह के हिसाब से, जून की गर्मी के हिसाब से, मतलब गर्मी नहीं है और ठंडा ठंडा लग रहा है, हवा अच्छी चल रही है फिलहाल। हाउ डू वी नीड दिस? तो यस फिलहाल गाइज अभी अपडेट यही है कि कल बारिश नहीं हुई, कल होने वाली थी, मतलब ऐसे हो गया था बीच में कि आंधी वंधी चलने लगी थी और बारिश का पूरा माहौल बन गया था, लेकिन बारिश हुई नहीं। लकीली हवा अच्छी चलने लगी, उसी से मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो वो अभी तक कंटिन्यू है। और अभी चलते हैं फिलहाल के लिए, करते हैं अपना मॉर्निंग रिचुअल्स। बाय द वे मेडिटेशन वगैरह शुरू करना है जो कि करेंगे धीरे धीरे, आपको दिखाएंगे, पर आज का अपडेट शेयर करते हैं। आई एम यूजिंग दिस इवोफोन टूथपेस्ट राइट नाउ फॉर अ वाइल, क्योंकि जो अभी मुझे थोड़ी सी माउथ इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि मसूरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये कॉमन इशू जो सबको होता है कि ब्रश करते समय उसमें से ब्लड आता है, तो येस दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अगर वर्क करता है देन आई शेयर विद यू ऑल। और यहाँ पर हम हो गए हैं रेडी, तो गाइज़ मैंने ऑलरेडी ये लगा लिया है जो कि पॉन्स क्रीम है, लिटिल बिट बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन, आपको पता है, तो थोड़ा बहुत टचअप करेंगे बिकॉज घर में आई डोंट डू इतना हैवी मेकअप, कभी कोई मन किया तो कर लेती हूँ, अदरवाइज आई रियली डोंट डू ज़्यादा हैवी, तो बस थोड़ा सा बेस कर लेंगे और कुछ भी नहीं। ज़्यादा आ गया फाउंडेशन, नहीं चाहिए था इतना। और ये छोटा सा परफ्यूम जस्ट टू फील गुड गाइज, लाइक या आज अपना गए जैसे ट्रैवल से आए हैं, आई एम ऑन अ रेस्ट मोड राइट नाउ, और जो भी डाइट योगा एक्सरसाइज हम करते थे वो नहीं हो पा रहा है, बट वन थिंग आई एम डूइंग दैट आई टेक वाटर इन द मॉर्निंग फर्स्ट। नहीं हां झोंका गिर गया रे बरन के, दिस कटहल की सब्जी प्रॉपर देसी स्टाइल एंड दिस इज दैट मसाला विच इज गुड फॉर हेल्थ, दिस करेला ऑल्सो, ठीक है करेला भी। इन केस इफ यू आर वंडरिंग हू हैव मेड ऑल दीज, माय मॉम हैज मेड ऑल दीज एंड आई मस्ट से शी इज रियली डैम हार्ड वर्किंग। अभी खाना तो खा लिया है मैंने, पर अभी जो न्यूज़ जो उड़ीसा ट्रेन इंसिडेंस हुआ है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, तो वो सुनकर बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा है, मतलब कुछ वर्ड्स नहीं हैं कि इस न्यूज़ में मतलब कैसे हो गया, बस यही एक क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे ये चीज़ हो गई, तीन तीन ट्रेन आपस में टकरा गई, पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन, तो क्या वहाँ पे दिक्कत हो गई, क्या एरर था जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हुई, मतलब ये तो एक अलग पहलू है, बट दूसरा पहलू ये है कि जिस जिस लोगों को उसका नुकसान हुआ है वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल वर्ड्स नहीं हैं इस बारे में। तो यस ये न्यूज़ मतलब ऐसे देखकर ऐसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि यार ऑलराइट, तो ये एक था। और दूसरा अभी फ़िलहाल मैं करने वाली हूँ एडिटिंग, क्योंकि जो डेली व्लॉगिंग का मैंने जो बोला है आपको वो करना ही है एंड
यस, आपको डेली वीडियोस मिलने वाले हैं, डेली वीडियोस आपको सफ़र विद रघु शर्मा पे मिलने वाले हैं। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं जाने वाली हूँ करने एडिटिंग। एडिटिंग करने के बाद आपको इवनिंग तक वीडियो मिल जाएगा, और साथ ही साथ टाइमिंग एंड ऑल भी मैं एकदम स्केड्यूल आपको फिक्स बताने वाली हूँ कि कब वीडियोज़ अपलोड होंगी सफ़र विद रघु शर्मा चैनल पे, व्लॉग चैनल पे। तो यस, वो फिक्स होगा, बट जस्ट गिव मी सम टाइम, क्योंकि एकदम से मतलब नहीं हो पा रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट यस। तो उस अपडेट के लिए आप बने रहिए, आई विल शेयर विद यू ऑल। एंड यस गाइज, अयोध्या के से रिलेटेड दो चीज़ें और मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो वो वीडियोज़ अभी और आनी बाकी है। यस, अयोध्या के बारे में आपको मतलब आई फील कि जिस भी डेस्टिनेशन पे जाऊँ वहाँ का मैं मैक्स टू मैक्स जो भी चीज़ें आपसे आपको जाननी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दो चीज़ें भी है, मतलब कि अगर आप अयोध्या जाओगे तो ये भी आपके लिए ज़रूरी होगा। तो ये स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। एंडिंग दिस व्लॉग हियर ओनली, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद माय अनदर वीडियो। अंटिल देन, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस, योर नियर वंस। सो यस, विद दैट अपडेट आई विल सी यू सुपर सून। आई विल कीप मेकिंग माय सेल्फ फॉर वीडियोज। अंटिल देन, टेक केयर गाइज, एंड यस, सब्सक्राइब टू माई चैनल।